हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रिकल खजाना में। तो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत लोगों का ये क्वेश्चन है कि यूपी एमआरसी एससीटीओ का रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि एग्ज़ाम हुए बहुत दिन हो गया और आप सबका स्किल टेस्ट का भी पेपर हो चुका है, सॉरी साइको टेस्ट का। तो प्री में करीब 16 गुने लड़के बुलाए गए थे साइको टेस्ट के लिए। तो बहुत सारे लड़कों को क्वेश्चन है कि कब रिजल्ट आएगा फाइनल इसका। और बहुत सारे लड़कों को क्वेश्चन ये भी है कि जिनका रिजल्ट आ गया है जेई और मेंटेनर का, जिनका कि डीवी और मेडिकल भी हो गया है, उनकी ज्वाइनिंग कब होगी। ये तीनों क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में देने वाले हैं, तो आराम से सुनिए, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होने वाला है। तो देखिए, यूपीएमआरसी एसएटीओ का रिजल्ट बहुत ही जल्द आएगा। जो फिलहाल सिनेरियो है, प्रेजेंट टाइम जो लड़के जेई और मेंटेनर और एएम असिस्टेंस मैनेजर बुलाए गए हैं ट्रेनिंग के लिए, उनका जो सिनेरियो वो मैं बता देता हूँ कहाँ तक पहुँचा है। तो देखिए, उन लड़कों का ट्रेनिंग लगभग अब हो चुका है और सभी का पोस्टिंग भी हो चुका है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेट्रो 3 जगह चल रहा है, लखनऊ, आगरा और कानपुर। तो सभी का पोस्टिंग ऑर्डर आ चुका है और कुछ लड़कों को पोस्टिंग भेज भी दी गई है ओजीटी ट्रेनिंग के लिए, ऑन जॉब ट्रेनिंग के लिए कानपुर। और जो कुछ लड़के अभी बचे हैं, मे भी 15 से 20 दिन में वो सारे लड़के अपने अपने पोस्टिंग पे पहुंच जाएंगे, मतलब आगरा जिनका है आगरा, जिनका कानपुर है कानपुर, और जिनका लखनऊ है वो लखनऊ। तो अप्रॉक्स 70 से 80% ट्रेनिंग कम्प्लीट हो चुकी है और जो यहाँ की ट्रेनिंग बाकी है, जो प्रेजेंट टाइम मेडिकल ट्रेनिंग चल रहा है, वो 10 से 15 दिन में कम्प्लीट हो जाएगा। अब आप सबका एसएटीओ का रिजल्ट कब आएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन। तो देखिए फ्रेंड्स, जो मैं बता पाऊँगा अप्रॉक्स डेट, वो आप सबका मान के चलिए अक्टूबर का मंथ चल रहा है और अप्रॉक्स आप सभी 20 अक्टूबर के बाद आप सबका रिजल्ट आने की बहुत ज़्यादा ही पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 20 अक्टूबर तक जो भी लड़के यहाँ पे COET में हैं उनका सभी का पोस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि पोस्टिंग ऑर्डर आ चुकी है और डेट भी आ जाएगा कि उनका पोस्टिंग किस दिन उनको जाना पड़ेगा वहाँ अटेंड करने के लिए। और उसके बाद स्लॉट खाली हो जाएगी, जब स्लॉट खाली हो जाएगा तो SCTO का रिजल्ट तुरंत जारी किया जाएगा और सेकेंड स्लॉट के JEE और मेंटेनर को बुलाया जाएगा फॉर ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है JEE मेंटेनर सभी की। क्योंकि आप सबको मैं बता दूं, लखनऊ में न्यू प्रोजेक्ट चालू होने वाला है, ठीक है, चार बाग से बसंत कुंज तक एक लाइन बनने वाली है, तो उसमें भी काफ़ी JEE और मेंटेनर चाहिए। बाकी आगरा और कानपुर प्रोजेक्ट चल रहा है तो वहाँ भी काफ़ी लोग चाहिए। बाकी फ्यूचर के भी प्रोजेक्ट सब लाइन में लगे हुए हैं, जैसे कि गोरखपुर, अयोध्या, इलाहाबाद, प्रयागराज, बनारस, बरेली, मेरठ, तो सभी प्रोजेक्ट एकदम लाइन से लगे हैं, तो रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। ना बुलाने जाने का रीज़न मैं बता दूं कि आप सबको बुलाया क्यों नहीं गया। जैसे कि JEE और मेंटेनर का तो रिजल्ट आ गया था साथ में, लेकिन उसमें से भी आप सुने होंगे या फिर जो लड़के देख रहे होंगे जिनका नहीं बुलाया गया है, उनमें आधा बुलाया गया आधा नहीं बुलाया गया। तो वो ऐसे हुआ है कि स्लॉट यहाँ की उतनी ज़्यादा नहीं थी कि एक साथ सबको बुला लिया जाए, तो कुछ JEE को, कुछ मेंटेनर को, और AM की वैकेंसी ज़्यादा नहीं थी, 11 सीट ही थी, तो सारे AM को बुला लिया गया है। तो जो भी यहाँ की क्लासेस थी, स्लॉट था, वो फुल फिल है, तो इसलिए बाकी वालों को नहीं बुलाया गया है। जैसे अब ये 15 दिन में पोस्टिंग सबकी हो जाती है, पोस्टिंग ऑर्डर आ ही चुका है, ट्रेनिंग भी लगभग कंप्लीट हो चुका है, अप्रॉक्स 2 महीने होने वाली है ट्रेनिंग सबकी, 1.5 मंथ से ज़्यादा हो चुकी है, 1 मंथ 22 दिन 23 दिन ट्रेनिंग हो चुकी है सबकी। तो 10 से 15 दिन में सबकी पोस्टिंग हो जाएगी, सबको डिपार्टमेंट मिल चुका है, सबका जो भी डिपार्टमेंट है SNT का, SNT JEE का, इलेक्ट्रिकल का, चाहे RS, ट्रेक्सन और ENM, सभी का मिल चुका है और लोकेशन भी बता दी गई है। तो बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप सबको 15 से 20 दिन बाद मेल जाएगा। तो जो नोटिफिकेशन था आप सबको मैं बता दिया हूँ, और 15 से 20 दिन आप इंतज़ार कीजिए। आप सबका 90 से 95% आशा है कि आप सबको बुला लिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सबके कुछ सवालों का आंसर हम दे पाए होंगे। बाकी अगर आपके कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये वीडियो बनाए हैं इसीलिए हैं क्योंकि आपके कमेंट आ रहे थे और बहुत ज़्यादा आप घबराए हुए हैं कि यार हमारा सिलेक्शन नहीं होगा क्या, फिर कुछ वैकेंसी रद्द कर दिया गया क्या, ऐसा कुछ लड़के सोच रहे होंगे। तो डरने वाली बात नहीं है यार, आपका सिलेक्शन हो चुका है। खास कर हम बात बोल रहे हैं JEE और मेंटेनर के लिए कि आपका DV मेडिकल हो चुका है और आप 1x1 रेशियो में शॉर्टलिस्टेड हुए हैं, तो आपका सिलेक्शन तो हो ही चुका है, बस पेशेंस रखने की ज़रूरत है, आपका होगा। और आप, मैं तो कहूँगा आप कोशिश ये कीजिए, आपका सिलेक्शन तो हो ही चुका है, आप क्यों ना ऐसा कोशिश कीजिए जो भी समय आप उसमें थोड़ा सा अच्छा करने की कोशिश कीजिए। अगर आप SSC प्री निकला हो तो SSC मेंस की तैयारी कीजिए, क्योंकि मैं समझता हूँ SSC CPWD सबसे बेस्ट JEE की नौकरी है। उसमें आप एकदम अथोराइज्ड JEE रहेंगे, आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब रहेगी, आप समझ रहे हैं, ये PSU है, वो प्योर गवर्नमेंट रहेगा और यहाँ पे सिर्फ वाइज ड्यूटी चलती है, वहाँ पे आप सिर्फ ट्वाइज ड्यूटी नहीं रहता है, तो अच्छी जॉब है। और पूरे ऑल इंडिया JEE में मैं बता दूँ सबको, SSC JEE ही एक ऐसा JEE है जो गजेटेड आधिकारिक रूप में ट्रीट किया जाता है, उसके पास अपना खुद का मोहर ठप्पा होता है, उसके पास खुद का ऑफिस होता है, खुद का फोर व्हीलर होता है, तो उसका एक अलग भौकाल है। तो बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटी हैं जो इससे अच्छे हैं, आप उनको ट्राई कीजिए। अगर वहाँ हो जाता है तो आप यहाँ आइए ही मत, बाकी अगर नहीं होता तो बैकअप तो है ही है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, उम्मीद करते हैं वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल रहा होगा, आप सबको थोड़ा सा शांति लाएगा और आप थोड़ा सा धैर्य रख पाएंगे।
बाकी फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। जो भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी आप सब तक मैं जरूर पहुँचाऊँगा। जो एग्जैक्ट डाटा था अभी तक का यहाँ का मैं आप सबको बता दिया हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर नेक्स्ट वीडियो।